हेलो दोस्तों, राम राम। तो आज चलते हैं अपन राजस्थान की विलेज लाइफ के बारे में बताने के लिए। आपको कुछ और नया बताते हैं। राजस्थान के प्राचीन कुओं में से कुछ जो अभी वर्तमान में मौजूद है उसके बारे में आपको बताते हैं। अब आपको ले चलते हैं राजस्थान के प्राचीन कुओं के पास। ये बहुत ही पुराना खंडर कुआ है जो अभी खंडर हो चुका है, काफी प्राचीन है, काफी गहरा है। आप बावड़ी से पानी निकल गया था। ये दिखाई दे रहा होगा, काफी गहरा भी है और पुराना, काफी पुराना। अभी तो इसको यूज नहीं करते हैं लोग यहाँ पे, पहले इसका यूज होता था। ये पूरे खेत है, आपको चारों तरफ दिखेंगे। तो इसके लिए जो पानी की आवश्यकता होती थी वो इस कुएं से पूरी की जाती थी। ये लगभग 100 साल पुराना है। इससे यहाँ पे मशीन लगी होती थी इसके पास, और फिर वहां से इसको पूरा करते थे सभी आवश्यकताओं को लोगों की। तो यहाँ पे खड़े कुछ लोगों से बातें करते हैं और वो आपको क्या बताते हैं। हाँ तो भैया, इस कुएं के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। ये कुआ बहुत ही पुराना है। अच्छा, हमारे दादाजी के पिताजी ने बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये कुआ पुराना है इसलिए इसकी ये चारों तरफ वो दीवार थी वो भी टूट के खराब हो गई है। अच्छा, और अंदर से भी ये देखो, आप देख सकते हो कितना दिख रहा है खराब, कि ये पुराना हो गया बहुत ही। और इसकी ये देखो, ये लकड़ी है तो इसको ऐसे देखने के लिए उपयोग में ली जाती है। गिर जाते फिर गिर जाते हम। अच्छा, इस पे वो क्या बोलते हैं, वो पंखा होता है उसके लिए वो एक रस्सी बंधी होती है। वो पट्टा बांधा हुआ होता है उसके लिए यहाँ पे रखा जाता था, वो रखा जाता था, वो कुएं से पट्टा आता था वो उसके बांध के सीधा मशीन के लगाते थे, और मशीन जब घूमती थी तब अंदर से पानी निकलता था और पूरा खेत हम बोते थे, और जिससे हमारी फसल अच्छी होती थी। और अब ये कुआ बहुत ही पुराना हो चुका है। तो अब इसको बंद कर दिया गया है। हाँ, अब इसको बंद कर दिया गया है, और अभी ये बरसात के मौसम के कारण अब थोड़ा थोड़ा ये होने लगा है, समेटने लगा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके ओके। भाई साहब, आप बताएंगे कुछ। ये कौआ वैसे तो मतलब खंडर बन चुका है अभी तो। अच्छा, पहले यूज नहीं दिया, मतलब सबसे पहले तो इसको यहाँ से बैलों से पानी खींचा जाता था, मतलब बैलों से। हाँ, बैलों से, मतलब पानी अपने आप यहाँ अंदर आ जाता था। अच्छा, और बैलों से वो भर के और बैलों से खींचा जाता था। अच्छा, वो रेट के रेट लगा के रेट वेट वो ऐसे पहले यूज किया जाता था इसको। अच्छा, तो ये धीरे धीरे फिर मशीनें भी लगेगी, मशीनें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ये मशीनों से इसको पानी खींचना शुरू किया, और अभी अभी तो ये खंडर ही बन चुका है। बरसात के मौसम में काफी टूट गया है, अभी इसको यूज में नहीं लेते हैं। तो आपके कहने का मतलब अभी इसका कोई यूज नहीं है? नहीं, अभी इसका कोई यूज नहीं है। अब मतलब क्या है कि ये बरसात के मौसम के कारण पूरा खंडर बन चुका है, तो इसके नजदीक कोई नहीं जाता है। अच्छा, ये जो चारों तरफ से जो पानी से आकर गिरने के कारण ये चारों तरफ से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई खंडर। और जो ये लकड़े हैं बीच में बड़े बड़े हैं, ये किस काम के, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? ये लकड़े मतलब वो बैल जो राट को खोद देते ना, अंदर से पानी निकल देते ना, तो लकड़ों के ऊपर वो कुछ ऐसा लगाते थे पट्टा टाइप है ना, वो चक्कर टाइप लगा था, उसके ऊपर रस्सी चलती थी। अच्छा, उसके लिए यूज किया जाता था इसको। तो ये कुआ पहले, काफी पहले इसमें पानी आता था डायरेक्ट, तो यहाँ पे मशीन लगा देते थे ये, और मशीन से फिर यहाँ पे पट्टा और पंखा वगैरह लगा के और फिर इससे पानी निकालते थे, और इसी से पूरी खेती की जाती थी यहाँ पे। पूरी इस आसपास जो भी पूरा खेत है ये देख लेंगे आप, इसमें पूरी खेती इसी से की जाती थी। तो आप क्या बताएंगे छोटू राम? ये छोटू राम बहुत शर्माते हैं, तो ये भाग जाते हैं देखते ही यूट्यूब। ये पूरा खेत है और चारों तरफ, और इसके पूरे खेत के बीच में इस कुएं को लगाया गया है, पूरे खेत के बीच में। और इधर ये देखो, और ये लकड़ी इसको देख। अच्छा, तो ये एक पुराना खंडर है और इसके खराब होने के बाद एक दूसरा कुआ और खोदा गया। चलो बताते हैं आपको वो भी। हाँ, चलो आपको दूसरा कुआ, दूसरा कुआ है वो भी बताते हैं अभी। चलो भाई, ये जो सामने है वो खेजड़ी का वृक्ष है, और फिर जब ये कुआ काम नहीं करने लगा, ये खंडर हो गया, तो फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे और कुआ खोदा गया, ताकि जो ये पूरा खेत है यहाँ पे सिंचाई वगैरह की जा सके। इसके लिए वो भी काफी पुराना कुआ था, और उसके बाद ये नया कुआ यहाँ पे खोदा था इन्होंने, ये आप देख सकते हैं। ये अब इसको पूरा ढक दिया गया है, लेकिन इसको भी अब ढक दिया गया है पूरा, इसको अब कांटे वगैरह डाल के इसको बंद कर दिया। पशु न गिरे अंदर। अच्छा, तो इसको ये
अंदर ढका क्यों? इसके लिए कुछ मतलब पहले घटना वगैरह हो चुकी है कुछ? पहले एक बार ऐसा हुआ था कि एक अंदर मतलब पशु गिर गया था। अच्छा, तो उसको बड़ी मुश्किल से निकाला। ऐसी घटना होने के बाद इसको पूरा ढक दिया गया, मतलब ये यूजफुल नहीं है, अभी इसको कम यूज करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद ढक दिया गया। जब अगर अभी इसको यूज करते हैं, लेकिन ऋतु के हिसाब से जब जरूरत होती है तो एक बार इसको खोलते हैं। अच्छा, बंद रखते हैं। हाँ, तो इसको अगर इनके जरूरत होती है तो ही ये खोलते हैं, वरना इसका अभी कोई उपयोग नहीं है। इसको अभी पूरा परमानेंटली बंद कर दिया गया है। और वैसे अभी राजस्थान में हमारे यहाँ पे नहर चल रही है, तो इसके लिए इसकी इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो पहले ये अभी 2-4 साल पहले तक ये चालू था कुआ, लेकिन फिर एक बार जानवर अंदर गिर गया तो उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। तो अभी ये वापस कब खुलेगा आपके बारे में, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी? अगर अभी तो वो नहर से सिंचाई हो रही है, अगर अच्छा, कभी पानी की आवश्यकता हुई तो एक बार इसको खोल दिया जाएगा। अच्छा, यानी कि इस ये जो पूरा खेत आपको दिख रहा है, इसमें अगर पानी की आवश्यकता होती है, अगर अभी नहर सिस्टम है तो नहर से पानी मिल रहा है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर इस कुएं को वापस ओपन कर दिया जाता है। ओपन का मतलब इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इन कांटों को एक तरफ ले लिया जाता है और फिर यहाँ पे मशीन लगाई जाती है और पंखा लगा के पानी निकाल देते हैं यहाँ से। इतने सारे यहाँ पर। अच्छा,